तो हम लोग अपना आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। नॉट ऑडिबल, अभी आवाज आ रही है? बताइए एवरीवन। अच्छा, कल कुछ बच्चों का कुछ एकाधी बच्चों का कमेंट आया था कि मैम समझ में नहीं आया। हाँ जी भाई, हेमंत वर्मा एंड जिसको भी समझ में नहीं आया 2 से 3 दिन का टाइम दो, ठीक है? जैसे कि मेरी स्पीड आपकी स्पीड अभी मैच नहीं हो रही होगी बहुत सारे बच्चों की, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम दोगे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है बच्चे? कल क्लास कब हुई? 1 बजे क्लास नहीं हुई थी, कल हमारी 3 बजे क्लास हुई थी, क्योंकि कल 1 बजे जैसे होता है ना, बिजली चली जाती है गाँव में, ऐसे ही हमारे गुड़गांव में बिजली चली गई तो इंटरनेट भी चला गया, तो फिर उसको जो भी था टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वरना बैकअप तो हमेशा रहता ही है। अब फॉर जिस भी रीजन से इलेक्ट्रिसिटी और जो था इंटरनेट हमारा कुछ भी नहीं था, तो 3 बजे क्लास हुई थी। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो कल मैंने क्या बताया था आपको, कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमारे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा सब्जेक्ट, देन होता है वर्ब, देन होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें से हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी से हमारा ये जो है ये हमारा हार्ट ऑफ द सेंटेंस है और इससे हमारा कभी कभी पूरा सेंटेंस ही बन जाता है, ठीक है बच्चे? तो कोई बात नहीं, कल की क्लास अगर मिस भी हो गई है तो नो वरीज, आज जितनी चीजें हम करेंगे उससे आपको समझ में डेफिनेटली आएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमारा ये हो गया है, आज हम लोग स्टार्ट करा है हमने सेंटेंस का। कल हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो मैंने कल आपको एक वर्ब की पीडीएफ दी थी अड्डा 247 की ऐप में, आप उसको जस्ट गो थ्रू करते रहिएगा, जिससे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आपको पता चल सके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, ठीक है? कल अगर किसी की क्लास मिस हो गई या फिर समझ में नहीं आया तो आज की क्लास अच्छे से करो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है? और कल की क्लास का भी हम लोग जो है रिवीजन करवा देंगे। सो हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा देखो जो टेंस होता है, टेंस हमारा क्या होता है? टेंस होता है टाइम का सेंस होता है। कैसे? जैसे कि मैंने बोला है कि आई एम टीचिंग, ठीक है? और अगर मैंने बोला है यहाँ पर आई टीच, और अगर मैंने बोला है यहाँ पर आई हैव बीन टीचिंग, तीनों में हमारा किसका, देखो तीनों ही हमारे प्रेजेंट में है, तीनों प्रेजेंट में है, लेकिन तीनों में हमारा जो है जो टाइम का जो सेंस है उसका डिफरेंस हमारा आ रहा है, ठीक है? आई एम टीचिंग में क्या हो रहा है, अगर मैंने बोला कि आई एम टीचिंग तो मैं पढ़ा रही हूं। अभी बस इतना समझो कि हमारा टेंस होता क्या है, मैं पढ़ा रही हूं, यानी कि इस मोमेंट पे हम क्या बात कर रहे हैं, आई टीच मैं पढ़ाती हूँ, यानी कि मेरा एक रेगुलर एक्शन की बात हो रही है, मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। ये चीज क्लियर हुई कि हमारा, अभी मैं बताऊंगी आपको सारे रूल्स बताऊंगी, उसमें हम लगाएंगे सरिता सिंस मॉर्निंग या फिर इवनिंग जो भी है, ठीक है? हमारा जो टेंस होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें टाइम बताता है, वो हमें समय बताता है कि किस समय की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? बताइए बच्चे। पीडीएफ वगैरह सबकी बात मैं बताऊंगी सिद्ध आपको 1:40 पे। अभी आप बस मुझे इतना बताइए कि ये पॉइंट क्लियर है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। अभी मैंने टेंस पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि टेंस is what tense is the sense of time, ठीक है बच्चे? विकी सिंह कॉपी पे राइट कर लीजिएगा, लेकिन सेशन के बाद में, अभी तो ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, ठीक है? तो हमारा फ्यू भी टेंस में है मैम, नहीं के शेखर रेड्डी, फ्यू तो हमारा एडजेक्टिव में आएगा। चलो अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले कि टेंस के आपके 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है? यहां पर कोई दिक्कत, हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, और हमारा जो है किसकी बात करते हैं, हम लोग पास्ट की बात करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये नाम से ही क्या है, ये नाम से ही सिंपल है। अच्छा मुझे बताओ, जो कि सिंपल होते हैं बच्चे, सिंपल जो लोग होते हैं, सिंपल लोग, एक होता है कि आपके घर में जैसे कि 2 भाई हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, एक होगा आपका नॉटी बच्चा, शरारती बच्चा, एक होगा सिंपल बच्चा। आप कौन से वाले बच्चे हो, सिंपल हो कि नॉटी हो? क्वालिटीज की हम बात करेंगे, नॉटी बच्चा जो है नितिन जायसवाल, अभी हम वो सारी बातें करेंगे, अभी धीरे धीरे सीखिए। बोध कैसे हो जाओगे मैडम? सिंपल है, क्या बात है। आई एम योर प्रेजेंट टेंस, यू आर माई फ्यूचर टेंस, वाह 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 वाह, ठीक है। नॉटी हो, आई डोंट नो मैम, सिद्ध लोवांशी पता ही होगा ना अपने बारे में, हमारा नॉटी बच्चा जो है वो किसी की बात नहीं मानता है, ये जो है हमारा थोड़ा सा रूड है, ये बात नहीं मानने वाला बच्चा है, ठीक है। और ये हमारा कैसा वाला बच्चा है? सिंपल बच्चा जो है ना, वो बोलता है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं 7 बजे क्लास अटेंड करता हूँ, मैं 8 बजे जो है वो मंदिर जाता हूँ, 9 बजे मैं नाश्ता करता हूँ। बताइए बेटा, पीडीएफ की अभी कोई बात नहीं होगी, पीडीएफ की बात होगी 12:40 पे, और आपके और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम 1:40 पे करेंगे, ठीक है। बाकी की सारी बातें अभी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे रहो। पीडीएफ पे जाओगे फिर 10 मिनट में एक बच्चा आएगा, वो कहेगा मैडम पीडीएफ, मैडम शेड्यूल, तो ये क्लास हमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आप फिर बोलोगे मैडम मुझे सिंपल टेंस समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, फोकस ऑन द टॉपिक। तो हमारा यहाँ पर जो बेचारा सिंपल बच्चा है, पहले क्वालिटी समझो, यहाँ पे सिंपल जो है हमारा वो एक्चुअल में सिंपल है, जो बात उसने कह दी वो क्या है, वो आपके क्या हो जाती है, वो एकदम पत्थर, कहते हैं ना पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर बोलते हैं, कि जो बात उसने कह दी वो होके रहेगी, क्योंकि उसके ज्यादा ताम झाम नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिंपल टेंस क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में हमारे वो चीजें आती हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में हमारे जो है, देखो सिंपल हमारे फिक्स प्लान आते हैं। जो बच्चा जो है जो अपने बात का एकदम पक्का होता है, क्योंकि उसके ज्यादा ताम झाम नहीं है, वो नॉटी नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड बच्चा है। तो मान लीजिए अगर उसने बोला है, अगर ये बोलता है कि आई गो टू टेम्पल, तो यानी कि ये हमारा फिक्स प्लान है, वो डेली जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ, अब भाई हमारा यहाँ पे तो बात का वो बड़ा पक्का है ना, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, जो भी हमारे प्रोवर्ब होती हैं, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, रूटीन होता है, वो सब किस में आते हैं? वो सब हमारे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि हमारा आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूजडे, मैं हर मंगलवार को टेनिस खेलता हूं। बताइए बच्चे, तो हमारा ये क्या, पहले सेंस को समझो, फिर मैं आपको डू डज ये सारी चीजें बताऊंगी, बुक्स की लैंग्वेज में हम बाद में जाएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि सिंपल प्रेजेंट का काम क्या होता है, ये समझ में आया? रणजीत सिंह, दिस इज मैम फर्स्ट क्लास, दिस इज दूरा दुन दीपा, बताइए। आई विल टेल द यूजेस ऑफ डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ये कहां पर यूज होता है। वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर रेगुलर एक्शन, ठीक है, फॉर हैबिट्स, हैबिट्स इज अगेन अ रेगुलर एक्शन। आई विल ईट नहीं होगा हर्षा, ठीक है, एवरीडे आप नहीं विल फ्यूचर में लगाते हैं। हमारी जो रेगुलर की चीजें हैं, जो डेली करते हो, जो काम, जैसे कि भाई सुबह डेली उठते हो ना, सोते तो नहीं रह जाते। आई ऑलवेज गेट अप एट 6 AM, ये सारे बच्चों का कहीं ना कुछ ना कुछ होगा कि चलो मैडम उठ जाते हैं 6 से लेके 7 के बीच में उठ जाते हैं, 7 से तो लेट होता ही नहीं है। और जनरली आपकी स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें आपका एक फिक्स टाइम ही होता है। 99% तो मुझे लगता है बहुत ही कम रूटीन ऐसा रहता होगा कि क्या कहते हैं आपका 7 बजे छुट्टी उट्टी वाले दिन की चलो आज क्लास नहीं है, आज 7 बजे उठेंगे, आज 8 बजे उठेंगे या 9 बजे उठेंगे। वरना जनरली देखो स्टूडेंट लाइफ हो आपकी, अगर आप लाइफ में कुछ भी करते हो आपका एक रूटीन तो रहता ही रहता है। होता है कि नहीं होता है? 4:30 बजे उठते, क्या करते हो 4:30 बजे उठ के, बताइए। तो हमारा यहाँ पर जो है एवरीवन क्लियर, हमारी जो हैबिट्स हैं, जो रूटीन है, जो डेली की चीजें हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। बताइए यहाँ पर किसी को डाउट? मैंने अभी आपको जो है टेंस का स्ट्रक्चर नहीं बताया है, मैंने अभी आपको टेंस में SES नहीं बताया है, मैंने सिर्फ उसका सेंस बताया है। मैडम 11 बजे उठता हूँ, सचिन यादव बेटा बहुत लेट हो जाता है, 11 बजे तक ना 4 क्लासेस हो जाती है। सुबह सुबह जो बच्चा पढ़ता होगा ना GD वाला, उसका तो दिन खत्म। बताइए, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं 10 बजे उठती हूँ, मेरे हिसाब से आपको जो है भाई 4, 4:30 तो बहुत ही अच्छी हैबिट है, 6 से 7 के बीच में उठ जाया करो, क्योंकि उठने के आपको क्या होता है ना कि 1 घंटे तक आपका दिमाग जो होता है, अब क्या करें क्या नहीं करें, अब जिंदगी में क्या करेंगे, अब लाइफ में क्या करेंगे, ये सब चीजें होती हैं 8 बजे। जितनी बजे उठते हो उसके 1 घंटे बाद तो दिन स्टार्ट होता है। चलो बच्चे, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ, अब जैसे कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, हमारा ये किस में आता है, ये भी एक सच्चाई है। जितनी भी सच्चाई है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, वो किस में रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। वी ऑलवेज यूज यूनिवर्सल ट्रुथ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे सीखते हैं, इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट वर्ब के साथ में एस या ईएस आती है और ऑब्जेक्ट आता है। इसको हम लोग एक बार समझते हैं थोड़ा, ये है क्या। देखो मुझे ये बताइए, पेन, पेन कोई चीज है या कोई काम है? पेन, पेन जो है कोई चीज है या फिर काम है? सोना बहुत जरूरी, उठना भी तो जरूरी है। एक थिंग है ना, एक ऑब्जेक्ट है ना, इससे हम जो है राइट करते हैं, तो राइट जो है वो हमारा क्या है, राइट लिखना, ये हमारा वर्ब है। और पेन हमारा क्या है, पेन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये हमारा नाउन है। कोई भी जो चीज है, कोई थिंग है, वो हमारी नाउन है, ठीक है। पेन का प्लूरल फॉर्म जो है वो क्या होगा, पेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? फटाफट से, यहाँ पे भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं होता इनको, पेन्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा नाउन है। जब हम नाउन के आगे, ये नाउन है, नाउन का प्लूरल फॉर्म जब हम बनाते हैं, नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एस या ईएस ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन राइट हमारा क्या है, राइट हमारा वर्ब है, लिखना, काम करना, लिखना, ये कोई चीज नहीं है। जब हम वर्ब को सिंगुलर में रखते हैं, वर्ब को जब हम सिंगुलर में रखते हैं तो हमारा ये क्या है, राइट्स, ठीक है। और प्लूरल में क्या रहेगा, प्लूरल में राइट रहेगा। यानी कि देखो ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आई। हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो बहुत सारे बच्चों के लिए इजी होगा, बहुत सारे बच्चे अभी सीख रहे होंगे चीजें, ठीक है, जिनका 0 लेवल है, तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। यहाँ पे क्लास को मिस मत करना, चाहे बोरिंग क्यों ना लग रही हो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेंस से आते हैं। सब्जेक्ट हो गया है, देन हमारा वर्ब हो गया है, देन ऑब्जेक्ट हो गया है। जब मैंने बात करी है किसकी, जब मैंने बात करी है यहाँ पर प्रेजेंट की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा जब ये जो सब्जेक्ट है, ये जब सिंगल होता है, एक होता है, तो वर्ब में क्या लगता है, या तो एस लगता है या फिर ईएस लगता है, ठीक है। कोई नहीं पारुल, थैंक यू सो मच। हाँ, तो हमारा यहाँ पर जब हमारा एक इंसान होता है, अब जैसे कि देखो, चलो पेन से ही ले लेते हैं। मैंने बोला है कि पेन, पेन मेरे लिए काम करता है, यहाँ पर वर्क आएगा या फिर वर्क्स आएगा, बताइए। पेन वर्क या फिर वर्क्स? गिरीश चांद सिंह, गलत लिख दिया आपने। हाँ जी, गलत आंसर है जिन्होंने वर्क लिखा है। भाई यहाँ पे देखो ये कितना है, ये सिंगल है ना, मैंने बोला कि ये नाउन सिंगल होता है, तो हमारा यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगता, ये नाउन है, ये तो हमारा वर्ब है। वर्क किस किस को समझ में नहीं आया मैं बता क्या रही हूँ, फिर से सिर्फ वही बच्चे यहाँ पे बताएं जिससे कि मैं थोड़ा उनपे और फोकस कर सकूं, ठीक है। हमारा वर्ब जब सिंगल होता है तो अपने साथ एस या ईएस लेता है। एक ही पेन की बात हो रही है ना, तो हमारा वर्क्स ये लगेगा, पेन वर्क्स फॉर मी, ठीक है। बेटा V7 कहां से आ गया, अभी तो हमारा यहाँ पे वर्क्स तक ही है। अब अगर मैंने बोला है, बताओ, यहां पे मैंने बोला है रेड्डी, शेखर रेड्डी, एस रेड्डी, ठीक है। आप जाते हो, गो आएगा कि गोज आएगा, बताओ। पूजा गलत आंसर है। यहाँ पे अगेन कुछ बच्चों का आंसर गलत आ रहा है भाई, गो नहीं आना चाहिए। हमारा आंसर क्या आएगा भाई, कितने लोग जाते हैं, एक अगर जाता है तो मेरा यहाँ पर गोज आएगा क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, वर्ब की लिस्ट ऑलरेडी मैंने अड्डा 247 की कम्युनिटी पे दी हुई है, प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब जब सिंगल होता है तो हम एस या ईएस ऐड करते हैं। ठीक है, चलो अब इसका स्ट्रक्चर हम फिर से समझते हैं। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, SVO। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे इसकी जो है स्ट्रक्चर क्या है तो आपको आंसर ये देना है। अगर मैं बोलूंगी, ठीक है, किसकी हिंदी बनानी है बतानी है, एमके वर्मा। हमारा यहाँ पर पेन मेरे लिए काम करता है, पेन वर्क्स फॉर मी। हम जैसे कि आपका क्या हो रहा है कि भाई आपके लिए पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, जैसे मैंने बोला तो आप बोलोगे कि पेन वर्क्स फॉर मी। ठीक है, हमारा यहाँ स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये दिमाग में बस जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया है, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। हाँ जी भी संतोष, बिल्कुल। चलो अब हम यहां पर आते हैं कि मेरा यहाँ देखो, मैंने वर्ब की बात करी थी कल। ठीक है, वर्ब के मैंने क्या बताए थे, दो पार्ट बताए थे। एक बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक हमारा मेन वर्ब होता है, ये चीज बताई थी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओम भी करेक्ट है, मैन गो टू वर्क, ये चीज बताई थी। अब यहां पर जो है देखो, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सीधी सीधी सी बातें कर रहा है। हम इसमें जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या रहती है, या तो डू रहता है, ठीक है, इसको ले लेते हैं, डू रहता है, नहीं तो डज रहता है। ओके, डू या फिर डज। अब चलो हम इसमें बात करते हैं, ये रहा हमारा देखो, इसमें मैंने बात करी है यहाँ पे, दिस इज दीपशिखा। ठीक है, दिस इज दीपशिखा। दीपशिखा मैंने बोला है यहाँ पर दीपशिखा नहीं पढ़ती है, तो डू एंड डज नॉट स्टडी, बताइए क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, डू या फिर डज। शिखा चौधरी अगेन, साक्षी चौधरी सॉरी, गलत है आपका आंसर बेटा, डू नहीं आएगा यहाँ पर। शिखा कितने लोग हैं, दीपशिखा, दीपशिखा एक ही तो है ना, एक के साथ में हमें क्या रखना है, एस या ईएस लगाना है। जितने बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, हमारा अगेन ध्यान से सुनो, जब मेरा सिंगल होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं शॉर्ट में कर देती हूँ। जब हम सिंगल चीजों की बातें करते हैं, एक की बात करते हैं तो हम डज लगाते हैं, और जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं, 2 3 4 5 की बात करते हैं, तब हमारा डू लगता है। किस किस में लगता है, ये हमारा लगता है नेगेटिव में एंड इंटेरोगेटिव में। ठीक है, हिट स्टेटस बिल्कुल करेक्ट है। अभी वो तो आपका इजी सा है, मैंने प्रोनाउन अभी नहीं कराया है। ठीक है, अभी उस पर भी हम आएंगे। तो हमारा यहाँ पर देखो, अब प्रोनाउन पे आ जाते हैं। ही हमारा कितने लोग हैं, शी हमारा कितने लोग हैं, और इट हमारा कितने लोग हैं, बताइए बच्चे। ही शी इट, इट हमारा आता है नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, जब हम किसी जानवर की बात करते हैं, जानवर आपका लिविंग है लेकिन हम हमारा पेड़, ठीक है, हाँ बताइए। प्रतिभा मैम टीचर्स इंग्लिश पैशनेटली, सरिता वेरी नाइस। इट हमारा जैसे कि कुत्ते वगैरह के लिए भी आ सकता है, जानवर के लिए आ सकता है, एक ही इंसान है ना, यहाँ पे एक ही की तो बात कर रहे हैं हम, हमने एक ही की बात करी है, क्या आएगा बेटा यहाँ पर मेरा जो है डज आएगा। ठीक है, जिनको नहीं आता है वो रट लें, बाकी देखिए इजी सी है, इतनी ये बहुत ही, आज की जो 2 क्लासेस है ना आपकी, बहुत बेसिक्स वाली क्लासेस है। ठीक है, तो पहली एक क्लास आपको बहुत इजी लगेगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे 3rd क्लास में 4th क्लास में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आज से पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके, हाँ, we use do when we talk about third person. Yes, I am coming to that point also, Sayam Jain. अब हमारा यहाँ पर देखो I के साथ में और you के साथ में, देखो ये भी हमारे क्या हैं, ये हमारे सिंगल पर्सन है। इसको ध्यान से देखो भाई, I का मतलब क्या है? I मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। और you मेरा क्या है? You मेरा सेकेंड पर्सन। मैं बात कर रही हूं, तुमसे बात कर रही हूं। Whenever we use first person and second person, हम लोग क्या लेते हैं? हमारा does आना चाहिए वैसे, लेकिन हमारा क्या आता है? do आता है। I do, you do। तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रूल होता है ये उससे हटके है। क्योंकि रूल हमारा क्या कहलाता है भाई? अंग्रेजी में रूल, देखो अंग्रेजी में जो हम पढ़ते हैं रूल उससे अलग होते हैं। हमने बचपन से ये पढ़ा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि जब हमारा एक इंसान की बात होती है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है? हमारा डज है। वर्ब में हमारा एस या ईएस लगता है, ठीक है। रूल हमारा क्या होता है? रूल हमारा होता है वी यूज सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर वर्ब विद थर्ड पर्सन, ठीक है। हमारा यहाँ पर सिंगुलर जो होता है वो हमारा थर्ड पर्सन के साथ में होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है। और हमारा यहाँ पर जो प्लूरल होता है वो किसके साथ में यूज होता है? फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ में वी यूज प्लूरल वर्ब। अब इतना हमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम क्या बताया था क्या नहीं बताया था। आई और यू के साथ में डू यूज होता है और ही शी इट के साथ में डज यूज होता है, ठीक है बच्चे। बताइए वी डू और प्लूरल के साथ में, तो हमारा यहाँ पे देखो वी हो गया है, दे हो गया है, तो इनके साथ में तो हमारा यहाँ पर डू ही आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ये कंफ्यूजन तब होता है जब हमारा सिंगल सिंगल होता है, तो आई और यू के साथ में डू आ गया है, ठीक है। अब चलो फटाफट फटाफट से मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, बनाइए। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं। एक हैबिट की बात आ रही है, बताइए। यहाँ पर आदित्य मिश्रा, गिरीश चांद सिंह, स्वाति सिंह, नेहा शर्मा, किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, जिस बच्चे ने अभी तक इंग्लिश जो है बेसिक्स आपकी क्लास आई डू नॉट स्टडी, चलिए बच्चे वैसे आपका ओपन है, ठीक है। एडजस्ट, माइक एडजस्ट करना है, माइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आई डू नॉट रीड। ओके, तो हमारा यहाँ पर देखो रीड कब आता है? रीड आता है जब आप लिटरली पढ़ रहे होते हो, जैसे कि ये जो है ना आई एम रीडिंग, कोई बुक खोल के तुरंत तुरंत पढ़ रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड रीडिंग, मोमेंट के लिए बोलते हैं हम। यहाँ पे स्टडी की बात आती है आपके, जब जनरल हैबिट्स जो है ना ये जनरल सेंस में यूज होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? आई स्टडी, ये बोलते हैं ना। मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ, ऐसे बोलते हैं हम। आई रीड क्यों नहीं बोलते हैं? हमारा पढ़ने का मतलब जब लिटरली आप जो है बुक खोल के आप जो उसको पढ़ रहे हो तो वो रीड कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है हमारा। यहां तक किसी को डाउट? बताओ बच्चे। आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश, ये मैंने बताया है, यहां तक किसी को दिक्कत है? टेल मी एवरीवन। इस पे बेस्ड अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश, यहां पर ये भाई टीकेश्वर आई एम कहां से लगा दिया? एग्जैक्टली आपका जो है देखो हमारा यहाँ पर क्या रखना है। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या रखना है? डू रखना है या फिर डज रखना है, देन हमारा नॉट आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। बताइए एम कहाँ से आ गया इसमें? एम तो आपका है ही नहीं, हमारे वर्ब की जगह, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने वर्ब नहीं रखा, ये रहा हमारा वर्ब, ये रहा वर्ब, और वर्ब के साथ यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है। ओके, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट आ गया, ये मेन वर्ब हो गया है, ठीक है। डू नॉट को डोंट भी बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि डू नॉट मॉडर्न लैंग्वेज में ये हमारा क्या हो गया है? डोंट। ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है आपके इसमें, ठीक है। एम कॉन्टिन्यूस में आएगा, आई डज नॉट स्टडी इन इंग्लिश। विक्की सिंह गलत है। हमारा आई के साथ में मैंने क्या बताया था, आई के साथ में डू आता है बच्चों। जिन जिनका गलत है प्लीज एक बार चेक करो, आई के साथ में डू आता है, यू के साथ में डू आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चों, यहां पर यहां तक किसी को डाउट? ओके, अब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली है, ठीक है। हमने अभी क्या बात करी है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पर जो हमारा, देखो इसका स्ट्रक्चर आप एक बार नोट कर लो। हमारा यहाँ पर डू डज बीच में आता है, ठीक है, देन वर्ब आ रहा है, देन ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज हमारा पहले लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारी जो हैबिट्स होती है, रेगुलर हैबिट्स होती है, उन सब चीजों के लिए हमारा यूज होता है। ओके हमारा जो होता है माई ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM, है ना, मेरी ट्रेन शाम 5:30 बजे रवाना होती है। तो हमारा जो होता है वर्तमान काल का प्रयोग सामान्य तथा जनरल फैक्ट या सत्य कथन बताने वाले के लिए होता है। हमारे जो भी है यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, ठीक है, उसके लिए शिवांग ठाकुर ये क्या यूज कर दिया आपने, ये डिंट कहां से, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है उसको आपने क्यों यूज कर दी है, बताइए। रिया अभी हम बात करेंगे, अभी आप पहले इसकी बात कर लीजिए। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है, देन आई विल कम टू योर पॉइंट कि मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शिवांग ठाकुर आपने एकदम गलत सेंटेंस लिखा है, जो चीज नहीं पढ़ाई है उसको यूज नहीं करना है। डिड पे तो हमें भी हम आई नहीं है ना, आई ही नहीं है ना। स्टडी का प्लूरल क्यों नहीं हुआ, हमने संतोष यहाँ पर जो है क्या लगा दिया, देखिए हमने यहाँ पर स्टडी का प्लूरल क्यों लगाएंगे, ये हमारा आई है, हमने यहाँ पर आई के साथ में डू यूज कर दिया है। जब हमने डू यूज यहाँ पे कर दिया है तो हमें यहाँ पर इसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम आते हैं यहाँ पर, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है, देन अब हमारा एक चीज मैंने आपसे जो था बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बोला है आई हैव अ कार, ये मेरा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट है या फिर परफेक्ट है, बताइए। परफेक्ट है आदित्य, परफेक्ट बोला है। ओके, सो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है हमारा परफेक्ट। देखो परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट हैज हैव के बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो नहीं है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एवरीवन, तो ये क्या हुआ, आई हैव अ कार। हमारा आई हैव अ कार कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आया। अगर मैंने बोला है यहां पर देखिए आई हैव अ कार, शी हैज अ पेन, ठीक है, तो हमारा यहां पर ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर हो गया है। हाँ जी प्राची बताइए, क्लियर है। तो ये हमारा परफेक्ट टेंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में। मेरे पास में कोई चीज है, ये सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर हुआ, गॉट इट। अच्छा चलो, अब मैंने यहां पर ये चीज बोली है आई एम अ गर्ल, ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, बताइए, ये हमारा कौन सा वाला आपका जो है सेंटेंस बना, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर बना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया है आई एम अ गर्ल। तो हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर किसका आ गया है, ये भी हमारा जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर, गॉट इट। तो हम बी की फॉर्म जो है वो लगाते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हमारा यहाँ पे क्या लगता है ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, बी की फॉर्म हम लगाते हैं तो बी में हमारा डू भी आ गया है, बी में हमारा हैव भी आ गया है और बी में हमारा इज आर एम भी आ गया है। समझ में आया? जो हमने लगाई था अपना कलम मैंने बताया था। ठीक है रिया, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूस हमारा आता है जब आईएनजी होता है। यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। आई एम अ गर्ल, एम क्या बता रहा है? एम बता रहा है कि भाई एक तो आई के साथ में एम लगता है, आई एम अ गर्लिंग तो नहीं लग रहा है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर को फिर से एक बार सुन लो। कल मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, वर्ब मैंने बोला था कि हमारा जो है बी की फॉर्म होती है ये। ठीक है बी, और बी में हमारा क्या होता है? बी में हमारा यहाँ पर डू डज भी होता है, बी में हमारा हैज हैव भी होता है। ठीक है, और बी में हमारा जो है क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब बताई थी, हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक हमारा जो है वो मेन वर्ब होती है। ठीक है, प्रतिभा मैम इज सो क्यूट, इज, आप इज लगा रहे हो ना तो प्रेजेंट टेंस है और ये स्थिति बता रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है। और यहां पर हमारा क्या आ गया है? इज आर एम आ गया है। ओके, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? दिस इज सब्जेक्ट, ये बी हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमने तीनों अपना यूज कर दिया है। ठीक है, देखो मैंने अगर बोला है कि आई गो देयर तो ये क्या हो गया है? ये तो सिंपल से हमारा जो है वो हमारा आई गो देयर ये तो हमारा बनी रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई हमारा प्रॉब्लम है ही नहीं। टीकेश्वर आईएनजी लगाया है तब वो कॉन्टिन्यूस बना है, आईएनजी लगाने से कॉन्टिन्यूस बनता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? देखो आई एम अ गर्ल, तो ये मेरा यहाँ पर बताइए, यहाँ पे तो आप कह रहे हो काम हो रहा है, मैं वहां जाता हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? ये तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई है, इसमें मेन वर्ब तो कुछ है ही नहीं। तो हमारा ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आई हैव अ पेन, इसमें काम क्या हो रहा है? काम तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें तो हमें सिर्फ एक स्थिति बता रहा है। गॉट इट? तो ये हमारा क्या है? हमारा ये भी स्ट्रक्चर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, एम तो कॉन्टिन्यूस, सोनू लावा कॉन्टिन्यूस का मतलब देखो, अब कॉन्टिन्यूस का मतलब आप लोग चेंज कर लीजिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब हमारा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस में आपको आगे पढ़ाऊंगी, कॉन्टिन्यूस हमारा होता है आईएनजी, जब सेंटेंस में आईएनजी आएगा तब वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, बताइए स्वाति सिंह, अभी हम डेफिनेशन एकदम चेंज कर देंगे। यस आदित्य, कंफ्यूजन बताइए, संडे को क्लास होगी क्या? संडे को क्लास नहीं होगी। आई एम डेविल इज राइट, यस रोशन कुमार। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी, जब तक सेंटेंस में आईएनजी नहीं आएगा। हाँ जी, तो अगर पास्ट का होगा मिस डबला तो हम लोग पास्ट में शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज अ, ठीक है, ही वॉज अ बॉय, वॉज कर दिया, वह एक लड़का था, तो भाई पास्ट सिंपल हो गया ना। ठीक है मैम, ये सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा स्वाति सिंह, हम उसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, स्वाति सिंह का एक क्वेश्चन है, सिंपल प्रेजेंट जो होता है हमारा, हम इसको, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, इंडेफिनिट। गॉट इट? परफेक्ट, अभी हम आएंगे जानू एस नायर, वी विल कम टू दैट। परफेक्ट सेंटेंसेस आल्सो we will study perfect sentences in one single session. Okay, so we'll have lots of examples. साहिल गुजर, मैं comments off नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा आप जब दूसरे का comment देखते हो ना अच्छा, तो उससे आपको एक आइडिया लगता है। आप अभी अकेले घर में बैठे हुए हो, क्लास में तो हो नहीं, और ये वाली जो जहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी वहां पे मैं कमेंट सेक्शन आपके एकदम ऑफ कर दूंगी, जहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। आपकी ये क्लास किसकी क्लास है? ये क्लास आपकी थ्योरी क्लास है। ओके संयम जैन, समझ में आ गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस? अभी सारे क्वेश्चंस होंगे सौम्या गुप्ता, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस की चिंता मत करो, कम से कम एक एक चैप्टर पे आपके 100-100 क्वेश्चंस हैं, 100-100 क्वेश्चंस, उसकी चिंता मत करो। ये बैच ही आपका जो है ऐसा बैच है कि आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं कराऊंगी आपको। मैम विल के साथ में, बेटा विल पे तो आएंगे ना, अभी सिर्फ आपके दिमाग में ये समझो, देखो इसको हल्का मत समझना, ये आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 चैप्टर से कनेक्टेड है। डू को समझो, डज को समझो, यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वो बताइए, इतना अभी विल पे नहीं जाना, विल तो फ्यूचर है, विल आएगा आपका 4 क्लासेस के बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम, यहाँ से डू डस पे हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर साधारण वर्तमान काल में यू के साथ में बहुवचन प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई हैव अ कार, यू लाइक आइसक्रीम, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ पे आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, शी इज माई फ्रेंड, इट इज रॉन्ग, ये सब भी हमारे क्या हैं, ये सब भी हमारे जो हैं, ये हमारा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है यहां पर कोई डाउट इन सारे सेंटेंसेस में, बताइए। टॉपिक वाइज भी बेटा सारे टेस्ट होंगे, चिंता मत करो। आपने ये जो बैच लिया है ना, ये देखो अब तो बैच ले लिया, पैसों तो वापस होंगे नहीं, मैं अभी भी कह रही हूँ कि तुम्हारे लिए बेस्ट बैच है, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलो हमारा यहाँ पे हो गया है, बताइए। अब्दुल टू बी अ डॉक्टर, वॉन्ट्स आएगा, वांटिंग आएगा, इज वांटिंग आएगा, फटाफट फटाफट से बताइए कि क्या आएगा। सुजल कुमार, वर्ब को प्लूरल बनाना के लिए एस या ई एस हटा देते हैं, तो हमारा यहाँ पर अब्दुल, ठीक है, हम कहते हैं कि वह चाहता है, चाहता है, तो वॉन्ट्स हमारा यहाँ पे अब्दुल कितना है, 1 है, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉन्ट्स आ जाएगा, ठीक है। अब्दुल वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। द सूप टेस्ट, टेस्ट इज टेस्टिंग गुड, बताइए क्यों आएगा, पता नहीं भाई, यहाँ पे आज यही तो कराया है। हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। कितने सारे सूप की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, हमारे 1 की बात हो रही है। जब 1 की बात हो रही है तो वर्ब में हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं, तो हमारा टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज ही वॉचेज इज वॉचिंग, एवरीवन क्लियर। ही वॉचेज, हमारा यहाँ पे ही लगा है, ही के लिए हम वॉच तो लगाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि एक इंसान है, एक इंसान के लिए हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं वर्ब में। ही वॉचेस टीवी, ठीक है। देयर अ बिग पार्क इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, आर मे बी इज वर्ब, बताइए। आर आ जाएगा। नवीन बेटा आर क्यों आएगा, यहाँ पे कितने पार्क हैं, देयर लगा हुआ है, तो हमारा यहाँ पर इज आएगा, आ है, 1 है, तो देखो जब भी हमारा यहाँ पे, वैसे ये आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी पार्ट हो गया है। अगर मैंने यहाँ पे देयर लगाया है या फिर हेयर भी लगा होता है, इसके आगे जो भी आपका क्या आएगा, हमारा जो भी सेंटेंस में इज आर एम जो भी रखोगे, वो किसके लिए रखोगे, जैसे कि यहाँ पे आ की है, ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है, आ लगा हुआ है, तो देयर इज अ की एंड देयर आर कीज, गॉट इट, ठीक है। बताइए एवरीवन क्लियर। यहाँ पे स्टेटस क्रिएटर एके आपने आर लगा दिया है, तो बच्चे ये, अच्छा कुछ बच्चे ये जानबूझ के गलती मत कर देना, मैडम को ट्राई मत करना, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हारा आंसर देख पाऊं कि नहीं देख पाऊं, ठीक है, और डाउट क्लास तो हमारी होगी ही होगी, तो ये नहीं कि देखें कि मैडम ने मेरा आंसर देखा कि नहीं देखा, ऐसे मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑलवेज टू प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्या आएगा भाई, प्रेजेंट की बात हो रही है हमारी यहाँ पर, ये मेरे प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है वो हमेशा प्रूव करता ही ऑलवेज, ऑलवेज लगा हुआ है, तो हमारे लिए और भी ज्यादा आसान है फिगर आउट करना। ही ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा ट्राई करता है। चलो मनी, मनी विल कैरी द बंडल ऑफ क्लोथ्स इन अ बकेट टू ड्राई देम आउट इन द सन एवरी डे, ये आपका देखो कि अब मैडम क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अभी आपने पूछा था ना कि मैडम क्वेश्चंस हमें कराइए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन जो है, देखो वो तो था प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आपके वो छोटे छोटे से वो फालतू के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, वो सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कराया था। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल के क्वेश्चंस और सीएचएसएल के क्वेश्चंस, इनफैक्ट एमटीएस और सीपीओ के क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा यहाँ पे कैरीज क्यों आएगा, बताइए बच्चे, कैरीज इज द करेक्ट आंसर क्यों आएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी डे। एवरी डे का क्या मतलब है? हर दिन। और हर दिन हमारा क्या होता है भाई? हमारा हर दिन का मतलब है कि जो भी काम आपका जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस हो रहा है, इसीलिए हमने विल कैरी नहीं आया है हमारा। गॉट इट? हमारा गलत क्यों हो गया है? हमने यहाँ पे बोला है कि मनी जो है वो कैरी करेगा बंडल ऑफ क्लोथ्स, बहुत सारे क्लोथ्स को, हमारा यहाँ पे कपड़ों के ढेर को, इन अ बकेट, ठीक है, टू ड्राई देम आउट इन द सन एवरी डे। हम ये कह रहे हैं कि हर दिन वो कैरी करेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर जो है देखो, क्योंकि हमारा हर दिन लगा हुआ है, हर दिन लगा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर करेगा नहीं आएगा, कैरीज वो करता है, ठीक है। विल लगा हुआ है ना इसमें, विल क्यों नहीं लगेगा मैडम? इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर और कैरीज होगा। हाँ जी ओम प्रकाश, करेक्ट है, ठीक है। योगेश ने बोला कि अगर एवरीडे नहीं लगा होता, चलो योगेश आपने बोला है, मैंने ये हटा दिया एवरीडे। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा? मैंने ये एवरीडे यहां से हटा दिया है। चलो, शुरू में मैंने एक सेंटेंस बोला था, हमारा जो टेंस होता है वो क्या होता है? टेंस इज इक्वल्स टू टाइम प्लस सेंस, टाइम का सेंस। अगर ये टाइम नहीं दिया है तो हमारा यहाँ पर ये मनी विल कैरी एकदम करेक्ट है। रिचा रानी कैरी क्यों हो जाएगा? मेगा कैरी क्यों हो जाएगा? कैरीज तो तब भी नहीं होगा कैरी। अब हमारा यहाँ पर देखो, आप कैरीज भी लगा सकते हो, देखो मनी के लिए, एक के लिए आपका कैरी तो नहीं आएगा, मनी के लिए हमारा यहाँ पे हैज कैरीड आ सकता है। अगर हैज लगा होता तो ये तब भी ये ठीक होता। मनी विल कैरी, विल आपका बिल्कुल करेक्ट है। हैज कैरीड, मनी कैरीड, कुछ भी लगा दो। अगर एवरी डे रिमूव करेंगे तो हमारा यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ जी स्वाति सिंह, बताइए आपका आंसर। सिंगल बंदे के साथ में जितेश हमेशा एस या ईएस आएगा। यस, सिंगल के साथ में जितेश गोज, जितेश वर्क्स, जितेश आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, टेंस ध्यान रखिएगा, अगर पास्ट होता तो कैरीड हो जाता, बताइए, ठीक है। मनी सिंगल है तो विल क्यों? सोनी, यहाँ पे ये बात करी गई है, फ्यूचर की बात हो जाती है। अगर एवरीडे नहीं लगा होता, अगर ये टाइम नहीं लगा होता, तुम फ्यूचर में भी तो बात कर सकते थे ना, मनी कैरी करेगा, ठीक है, उस सेंस में आपसे पूछा जा रहा है। बबलू शर्मा, अभी एक दो मिनट रुक जाइए। अरे भाई, यहाँ पे बात ये हो रही है, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं मैडम ये विल कहाँ से आ गया, देखो मैंने बोला है कि आई विल गो, इसका मतलब है कि मैं वहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ठीक है, ये बात हो रही है, मैं जाऊंगा। सेंटेंस है, मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, फ्यूचर पे हम पहुंचे नहीं है, मैं जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लगाती हूं I will go every day, एवरी डे लगे होने से, अगर आपका ये सेंटेंस पूछा गया है सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है कि एक आपसे है कि नो सब्स्टिट्यूशन और एक है आपका आई यहाँ पे विल को रिमूव कर दिया है, क्योंकि गो तो लिखा ही, अच्छा विल गो कर देती हूँ, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूशन, और ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर आई गो लिखा हुआ है, आई गो एवरी डे। एवरी डे लगे होने से देखो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। एवरी डे हमारा क्या हो गया है? टाइम हो गया है, तो टाइम लगे होने से ये हमारा किसमें आ जाएगा? हमारा गो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर दिया गया है, हमसे यहाँ पे भी ये दिया गया है कि अगर मान लो एवरी डे लगा हुआ है तो हमारा यहाँ पे विल कैरी नहीं आएगा, कैरीज आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया है, क्यों हमने लगाया है। अरे अभी हमने जो पूरा, अभी इतनी जो हमने कहानी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो रेगुलर एक्शन बताता है, हमारी हैबिट्स बताता है, हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है। तो जो चीजें आपके बार बार होती है, रिपीटेडली होती है, जैसे कि आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, डेली करते हो ना, अगर एक आध दिन छोड़ भी देते हो तो कोई मतलब नहीं है, मतलब आप 365 दिन में 360 दिन ब्रश करते हो यानी कि डेली करते हो, तो आपका किस में आएगा? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ठीक है, बताइए क्लियर? कुछ भी लगा दो देव, अभी इस पॉइंट को और भी समझ सकते हैं कि आपका, मैंने देखो आप यहाँ पे एक चीज को समझिएगा, हमारा ये जो है टाइम लगा होता है, टाइम से ही हमारा टेंस बनता है। ठीक है, जिनको अभी ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अभी इस पॉइंट को हम आगे आगे जैसे जैसे टेंस को समझेंगे ना तो हम चीजें और क्लियर करेंगे कि मैडम कौन से टेंस पे कौन सा हमारा टाइम लग रहा है। भाई टाइम की ही बात होगी, वरना तो आपके सारे सेंटेंसेस में कुछ भी लगा दो। मैंने खाना खाया था, ये पास्ट की बात हो रही है। मैं खाना खाता हूं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। मैं खाना खाऊंगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? जब हम टाइम इसमें देंगे। हमारा टेंस ही क्या है? टेंस हमारा टाइम है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। आपके जो क्वेश्चन है मैडम पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ अड्डा 247 की ऐप में मैंने कल एक पीडीएफ जो था वो अपलोड कर दिया था। पीडीएफ, ठीक है, वर्ब का पीडीएफ पिन कर दिया है। अड्डा 247 की जो ऐप है फटाफट से वहां पे जाइए। अड्डा 247 की ऐप पे कम्युनिटी है इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम, ठीक है, वो डाउनलोड हो गया होगा आपके तनुज लता आपके मोबाइल में, तो मोबाइल में ना जो फाइल्स हैं वहां पे आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा वो कैब वाला पीडीएफ। वो कैब वाला पीडीएफ शायद मैंने अभी नहीं दिया है, वो कैब वाला पीडीएफ एक्चुअली ना बहुत हैवी फाइल है, उसको मैं कंप्रेस करके फिर मैं अपलोड करवाऊंगी। ठीक है, आप टेस्ट बता दीजिए। देखो टेस्ट कहाँ से देना है, अड्डा 247 की ऐप पे गए, ठीक है, ये ऐप है आपकी, ऐप पे जाओगे। ऐप पे जाने के बाद में ना आप माई कंटेंट पे जाइएगा। माई कंटेंट, यहाँ पे नीचे ना तीन आपके बटन्स आ रहे हैं। जब इस पे जाओगे तो आपका जो भी पैक है, जो भी बैचेस है, ये बैच खोल दिया आपने। बैच खोलने के बाद में यहाँ पर जाओगे, ठीक है, देखो व्यू ऑल कोर्सेज पे जाइएगा। बैच खोलने के बाद व्यू ऑल कोर्सेज पे गए, इसमें उधर लाइव क्लास के बगल में टेस्ट सीरीज आ रही है, तो टेस्ट सीरीज आप दे देना इससे। ठीक है, कम्युनिटी पे मिल जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग मैडम फाइल्स नहीं मिल रही है, फाइल्स आपके फाइल वाले में चले जाओ। देखो बेटा मोबाइल में आपके कहाँ डाउनलोड हुआ है उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चीजें तो सारी ही कवर होंगी। हाँ जी आदित्य, बताइए कंफ्यूजन क्या है। देखो अगर हो सकता है किसी एक आध बच्चे का डाउट रह जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका डाउट यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो डाउट क्लास आपकी एक है जो कि आपकी एक मैम शीना मैम जो है वो उन डाउट्स को सॉल्व कराएंगी। देन हमारा यहाँ पे एक डाउट क्लास मेरे साथ में भी है, आपके हर टॉपिक के बाद में टॉपिक का टेस्ट भी है और टॉपिक का डाउट भी है। ठीक है, तो बताइए स्टार्टिंग से रिया, बिल्कुल टेस्ट देना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज देना, देखो कम आपके 7 दिन हैं। सैटरडे संडे आप जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखो? सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ आपका कोई लाइव क्लास तो होती नहीं है, कम से कम नहीं तो 3 टेस्ट तो यहाँ पे दे दो, ये मिनिमम टेस्ट है। तो आपका हो गया है ना, दो टेस्ट हमने संडे में दे दिए, 1 टेस्ट हमने सैटरडे में दे दिया। यहाँ पे 3 टेस्ट, एक सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। संडे पढ़ाई मत करो, खत्म बात। 3 टेस्ट जो है वो आप दे दीजिए। विक्की सिंह बिल्कुल, चलिए बढ़िया है। शिखा, चलो आप देख लीजिएगा, एक आध दिन थोड़ा ट्राई करो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो फिर हो पाएगा, वरना फिर दिक्कत। मैडम सिंपल प्रेजेंट फिर से बता दो, मुझे समझ में नहीं आया आपका। सिंपल और सिंपल प्रेजेंट फिर से बता दो बेटा, पूरी क्लास आप इसको रिवाइज करिएगा। आप कह रहे हो पूरी क्लास फिर से बता दें, पूरी क्लास कैसे हो पाएगा फिर से? जहां पे आपको डाउट है आप ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप कल पूछिएगा। ठीक है प्रिंस वर्मा, मैंने अभी बताया कि टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, बैच में हमारे साथ में अभी 200 बच्चे हैं, तो इंग्लिश बाय प्रतिभा मैम ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और, पवन सर की एक बुक आई है, तो आप उस बुक को जरूर से ले लीजिएगा। उनकी एक पॉकेट बुक जिसमें बहुत सारे क्या है, एक पॉकेट बुक है जिसमें जीके जीएस की बहुत सारी ट्रिक्स है, जीके जीएस की। ठीक है, तो उस बुक को आप एक बार देख लीजिएगा। 99 रुपीज की आपकी बुक है, और उसमें जो है आपके टेस्ट सीरीज भी अलग से दिए गए हैं, टेस्ट सीरीज के साथ साथ में आपके जो है लाइव क्लासेस भी अलग से हैं। तो ये वाली जो बुक है आपके लिए काफी फायदेमंद साबित रहेगी, जीके जीएस की। ठीक है, चलो ओके बच्चे, तो अगर कोई प्रॉब्लम आपकी है तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट कर दीजिएगा, जहां पे मैं आंसर कर दूंगी। चलिए बच्चों बाय बाय, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको सिर्फ इतना बोला है कि आपको ग्रामर जितनी मैं करा रही हूँ उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बच्चे, इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपकी इंग्लिश के लिए। जितना मैं करा रही हूँ, क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, आज के लिए इतना काफी है जितने भी सारे बच्चे हैं। ओके, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं इंग्लिश में। आप मैथ्स करो, आप जीके जीएस करो, ठीक है, इंग्लिश मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो बच्चे, हाँ जी बच्चे। सौम्या गुप्ता बेटा, कोई और अगर प्रॉब्लम है तो आप जो है ना कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाई। ठीक है, कम्युनिटी पे आप पूछ लीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।